हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल बैक फ्रॉम द डेड। सो आज दोस्तों आपको मैं बताऊंगा, अगर आपके भी एसटी कार्ड में ये प्रॉब्लम आ रही है कि लिखा रहा है फॉर ट्रांसफरिंग फ़ोटोज़ एंड वीडियोस, एरर आ रहा है कुछ, तो जब भी आप ऐसा कुछ लिख कर रहे हो, ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो नोटिफिकेशन शो हो रहा है और कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा ऑपरेशन, तो इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करें आज की वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल बैक फ्रॉम द डेड में डेड को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। तो दरअसल बहुत सारे यूज़र्स को ये प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसका मेजर रीज़न यही होता है कि आपके जो मेमोरी कार्ड हैं उसमें कभी कुछ ग्लिच आ जाते हैं, कुछ एरर आ जाती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बार अपने डिवाइस से अपने मेमोरी कार्ड को निकाल लें, और मेमोरी कार्ड को निकालने के बाद आपको उसको अपने डिवाइस को बिना मेमोरी कार्ड के एक बार रिस्टार्ट करना है, और रिस्टार्ट करने के बाद फिर से 5 मिनट के बाद आपको मेमोरी कार्ड डालना है। और जब मेमोरी कार्ड डालोगे आप, तो आपको क्या करना है, फिर से आपने एक बार डिवाइस को रिस्टार्ट कीजिएगा। रिस्टार्ट करने के बाद जो प्रॉब्लम है वो मैक्सिमम चांस है कि सॉल्व हो जाएगी। अगर प्रॉब्लम फिर भी सॉल्व ना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको अपने लैपटॉप को, सॉरी अपने मेमोरी कार्ड को अपने पेन ड्राइव से कनेक्ट करके लैपटॉप से कनेक्ट करना है, और उसको उसका डाटा रिकवर कर लेना है। और डाटा रिकवर करने के बाद एक बार उसको फॉर्मेट कर लेना है। फॉर्मेट क्यों करना है, क्योंकि आपने कोई थर्ड पार्टी ऐप है वो अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर लिए, और उसके कारण आपके मेमोरी कार्ड में कुछ वायरस आ गया है, तो इसके कारण आपको अपने मेमोरी कार्ड को एक बार फॉर्मेट करना पड़ेगा। और फॉर्मेट करने के बाद आप अपने लैपटॉप से सारा डाटा कॉपी कर लीजिएगा, आपकी जो भी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाएगी। आई होप वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल बैक फ्रॉम द डेड को सब्सक्राइब करें।